हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ही करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी गई है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च अ हिम डेटा पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग बेटर डिजिटल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ स्टेट। सो हिम डेटा पोर्टल है, तो आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगा सकते हो। ये जो है, ये आपके जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज लॉन्च बाय द हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे इसे डेवलप किसने किया है, सो जो हिमाचल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने किसके साथ मिलकर इसे डेवलप किया है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसका आपका जो कैंपस है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मोहाली में। सो अभी रिसेंटली मोहाली में गवर्नेंस समिट आपकी हेल्ड हुई थी, जिसमें इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था बाय द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि फ्रॉम जुलाई 2023 जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये स्टार्ट करेंगे हिम परिवार प्रोजेक्ट, जो बेसिकली एक स्पेशल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा जो स्टेट के लोग हैं उनको। जैसे अब यहाँ पे जो ये पोर्टल है, या बोल सकते हैं जो प्रोजेक्ट है, इससे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे, जैसे आपके राशन कार्ड का कुछ काम है, ठीक है, या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल जो है, इन सबको आप एक ही बारी में यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे आपको इन सब की फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूएन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज एनुअली फॉल्स ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर कंजर्वेशन। सो यहाँ पे आपका जो माइग्रेटरी बर्ड डे है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया जाता है, ये आपका दो दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को और दूसरा होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड सैटरडे ऑफ मे होता है, इस दिन यूएसए में ये जो है मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, वेर इज सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में जो है, इसके साथ साथ मैक्सिको और कैरेबियन में भी ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे आपको थीम इसकी पूछी जा सकती है, ठीक है, इसकी थीम क्या है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक है, क्या थीम है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ऑब्जर्व करती है या इसे सेलिब्रेट करती है इस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को, तो इसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी केनिया, ठीक है, कहाँ पे है, नरोबी केनिया में, ठीक है। इसके अलावा इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, इंगर एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी रिलीज अ कॉमिक बुक टाइटल फर्स्ट लुथेनियन ट्रैवलर इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायना मिकविंस, जो है जो लुथेनियन एम्बेसडर है इंडिया के, इन्होंने इस बुक को जो है रिलीज किया है। अब यहाँ पे जो ये बुक है ये किसके बारे में है, इट इज बेसिकली द हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया एंड लुथेनिया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द एरेंस इफे कांडू वॉज अवॉर्डेड विद द 2023 स्वानसी यूनिवर्सिटी डायलन थॉमस प्राइज फॉर हिज डेब्यू बुक, जिसका नाम है गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स, ठीक है। तो जो ये एरेंस इफे कांडू है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये राइटर, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ही बिलोंग्स टू नाइजीरिया, ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके जो है यंग ऑथर्स हैं, यंग ऑथर जो है नाइजीरिया के हैं। अब यहाँ पे जो अवार्ड है जिसकी हम बात करें हैं, इट इज अ स्वानसी यूनिवर्सिटी डायनल थॉमस प्राइस, ये अवार्ड जो है यंग ऑथर्स को दिया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो नाम है, ये आपके स्वानसी बॉर्न राइटर थे जिनका नाम था डायलन थॉमस, उनके नाम पे इसे रखा गया है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दैट इज कि 2022 में जो डायलन थॉमस प्राइज है, इसके आपके विनर कौन थे, इनका नाम क्या है, पैट्रिका लुकवुड, और इन लेडी को ये अवार्ड क्यों दिया गया था, इनकी जो नॉवल थी डेब्यू नॉवल जिसका नाम है नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था 2022 में, ठीक है। 2023 का किसे दिया गया है, टू दी एरेंस इफे कांडू को, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन अ डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज GGQI असेसमेंट फॉर क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023।
विद एन स्कोर ऑफ 4.7 आउट ऑफ 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 ये स्कोर दिया गया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे सेकेंड पोजिशन जिसने हासिल की है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये असेसमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, इसे कंडक्ट किसने किया है, डेमो ने, दैट इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस ने। अब यहाँ पे जो है आपके 6 जो है थीम्स यहाँ पे होती है जिसपे बेस ये असेसमेंट किया जाता है। कौन कौन सी ये थीम है, डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज डेसिमिनेशन एंड डेटा सिक्योरिटी एंड एचआर कैपेसिटी, और लास्ट आपका है केस स्टडीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023, ग्रिड 2023, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। सो पहला पॉइंट क्या है, द रिपोर्ट वॉज ज्वाइंटली रिलीज बाय द नॉर्वेगियन रिफ्यूजी काउंसिल एंड द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, दैट इज IDMC, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, एलेक्जेंडर बिलाग। ठीक है, क्या नाम है, एलेक्जेंडर बिलाग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट द नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेस पीपल अराउंड द ग्लोब रीच टू 71.1 बिलियन इन 2022, विच शोज इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम 2021। ठीक है, तो 2021 से कंपेयर किया जाए तो ये डेटा आपका 20% जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इज, पाकिस्तान हैज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट इन द वर्ल्ड इन 2022 एट 8.16 मिलियन। अब सेकेंड नंबर पे, विच इज मतलब पाकिस्तान को फॉलो कौन कर रहा है, फिलीपींस एंड चाइना, जिनका अगर नंबर देखें तो 5.44 मिलियन है एंड चाइना का कितना है, 3.63 मिलियन, वेयर इज इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे था। ठीक है, जहाँ पे लार्जेस्ट डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, विच इज योर 2.5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ये सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके करेक्ट हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ जो है ये आपकी कंट्रीज देख ली हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट देखा गया था। अब यहाँ पे फिफ्थ कंट्री कौन सी थी ये भी नोट कर लो, इट इज योर नाइजीरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच म्यूचुअल फंड फर्म रिसेंटली इन मे लॉन्च अ ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बिजनेस साइकिल फंड। सो इनमें से कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड फर्म है जिसने लॉन्च किया है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जिसका नाम क्या है, बिजनेस साइकिल फंड। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वांट म्यूचुअल फंड, और इस स्कीम का नाम क्या है, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ मेटा कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर अहेड ऑफ ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द पेनियर बाय। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी है, पेनियर बाय, जिसे 2016 में जो है सेटअप किया गया था। ठीक है, अप्रैल 2016 में इसे सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है आनंद कुमार बजाज। क्या नाम है इनका, आनंद कुमार बजाज। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवार्डेड विद द फर्स्ट ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज जयंत विष्णु नार्लेकर, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो है ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं आपके इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज IUCAA के, ये आपके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, जो लोकेटेड कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो ये आपका गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पे रखा गया है, जो जिन्हें बेसिकली इंडियन रेडियो रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे RBI अनाउंस दैट द बैंक्स आर सेट टू कमेंस अ 100 डेज 100 वेज कैंपेन टू ट्रेस एंड सेटल द टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इन अ 100 डेज, द बैंक विल कमेंस द कैंपेन ऑन। तो ये जो कैंपेन है ये कब स्टार्ट किया जाएगा, तो ये आपका स्टार्ट होएगा 1 जून से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जून 2023 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड फॉर फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ डैश आइटम्स टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। सो बेसिकली जो ये लिस्ट होती है इसमें आपके जो है मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो ऐड किए गए हैं जो बेसिकली
कंस्ट्रक्शन जिनका कहाँ किया जाएगा, इंडिया में किया जाएगा, और वो बाहर से इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो अब ये लिस्ट जो है वो फोर्थ लिस्ट है। तो इसमें कितने आइटम्स ऐड किए गए हैं, तो 928 आइटम्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जो सबसे पहली लिस्ट थी उसमें आपका 351 आइटम्स थे, सेकेंड लिस्ट में यहाँ पे शामिल किए गए थे 107 आइटम, थर्ड जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें 780 आइटम्स थे, एंड नाउ जो फोर्थ लिस्ट है इसमें 928 आइटम्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं कि ये इंडिया में ही बनेंगे, बाहर से कोई कोई भी चीज़ इसमें इंपोर्ट नहीं की जाएगी। इसी से इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या होता है इस लिस्ट का निकालने का? ठीक है, तो मेन एम क्या है कि बाहर से इंपोर्ट कम करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें जो है इंडिया में बनानी है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो लिस्ट जो है ऐड की गई है, जो आइटम्स ऐड किए गए हैं, अगर हम इसकी जो वैल्यू अगर यहाँ पे काउंट करें, जो ये कितनी है, वर्थ 715 करोड़ की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये डीपीआई क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, जैसे आपके आधार हो गए या यूपीआई हो गए, डिजी लॉकर हो गया, ये सब आपके किसके अंडर आ जाते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी एसयू। सो करेंटली जो आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके कितने मेंबर है, तो एट प्रेजेंट यहाँ पे आपके 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स हैं ये देख लेते हैं। जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये आपके जो है ये इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट्स या ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एट प्रेजेंट जो एससीओ की प्रेजिडेंसी है, रोटेटरी प्रेजिडेंसी, किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कब मिली थी इंडिया को, तो लास्ट 2022 के सितंबर में यह प्रेसिडेंसी हमें दी गई थी, इंडिया को दी गई थी। और इससे पहले ये प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो उज़्बेकिस्तान के पास थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एससीओ की आपकी मीटिंग जो होगी, जो इंडिया होस्ट कर रहा है, वो कब होस्ट होगी, तो आपका 3rd से 4th ऑफ जुलाई को ये होस्ट की जाएगी इंडिया में, ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल जो है डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग भी हेल्ड हुई थी एससीओ की, वो कहाँ पे हुई थी, तो वो आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा एससीयू की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो भी आपकी हुई थी 4 से 5 मई को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी एससीयू से रिलेटेड मीटिंग होगी उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसीव नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 अंडर एमएसएमई कैटेगरी। सो जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी वीक हुआ था 2023 का, 11 से 14 मई को जो है मनाया गया था। ठीक है, 11 टू 14 ऑफ मई तक ये मनाया गया था। सो इस ओकेजन पे जो जितेंद्र सिंह है, यूनियन मिनिस्टर जो है, इन्होंने यहाँ पे इन अवार्ड्स को जो है वो दिया था। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी को ये अवार्ड दिए गए हैं या कौन कौन से पर्सनालिटीज को ये अवार्ड दिए गए हैं, ये पूरा हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपका एमएसएमई कैटेगरी के अंडर कौन सी कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी लिमिटेड महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बाकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपकी 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, मेन, एमएसएमई, स्टार्टअप, ट्रांसलेशन रिसर्च, अवार्ड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंक्यूबेटर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मेन की। मेन कैटेगरी में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र की कंपनी है, इसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज एमएसएमई में बात करें, एक हमने डिस्कस कर लिया अभी, इंडिया आइडिया फॉर्ज वाला। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, एंड जियोटेस दैट इज XIOTZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कर्नाटका की कंपनी है, इसे ही अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप की बात करें, कानपुर फ्लावर रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश, सेस्कैन मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड केरला, जैमा एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु, वेलरेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, एंड क्यूजन स्लैब प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका। ये सारी आपकी जो है स्टार्टअप कंपनीज हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है आपकी विमेन लेड स्टार्टअप, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये चीज तो याद करना ही आपको। ठीक है, नेक्स्ट के नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है ट्रांसलेशन रिसर्च। इस फील्ड में प्रोफेसर गोविंद राजू थिमाए जो है इनको अवार्ड दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द साइंटिस्ट एंड कमर्शलाइजेशन इनोवेटिव इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। और इन्होंने डेवलप क्या किया है, नोवल ड्रग कैंडिडेट दैट इज TGR63 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीजेस। ठीक है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका है अवार्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर,
टीहा फाउंडेशन जो तेलंगाना की है इसे ये अवार्ड यहाँ पे इस कैटेगरी के अंडर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, इन मई 2023 द डैश एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड समुद्र शक्ति वॉज हेल्ड एट बटाम इंडोनेशिया बिटवीन द इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है फोर्थ एडिशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक्सरसाइज जब पूछी जाती है तो आपका मेन क्या होता है, इसका नाम तो याद रखना है आपको। अब इसका तो नॉर्मली याद रख पाओगे कि समुद्र शक्ति है, दैट मीन्स कि ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब किसके किसके बीच में हुई है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। ठीक है, कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, इसकी एडिशन पूछा जा सकता है और कब से कब तक हुई है, तो 14 से 19 मई तक ये आपकी चली थी एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, जोको विडोडो। ठीक है, क्या नाम है, जोको विडोडो। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट है और करेंसी क्या है, तो रूफिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन रिड्यूसिंग एनीमिया ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मेटर्नल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023, जो आपकी हेल्ड कहाँ पे हुई थी, ये हेल्ड हुई थी केप टाउन साउथ अफ्रीका में। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं एनीमिया के बारे में हो रहा है, तो ग्लोबल जो टारगेट है हमारा कि कब तक जो है एनीमिया को रिड्यूस करना है, तो 2025 ये टारगेट है। बट इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, वो बहुत कम हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हम जो ये टारगेट है 2025 का एनीमिया को रिड्यूस करने का, वो रीच ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज बताई गई थी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सभी को पता है, ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडहनॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे आरबीआई इशू एन एडवाइजरी टू बैंक्स टू इंश्योर कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम LIBOR दैट इज लिबोर एंड MIFOR फ्रॉम डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है कि ये एंश्योर करें कि इनको जो ट्रांजेक्शन जो है इनकी वो कंप्लीट होनी चाहिए टिल दी 1 जुलाई 2023। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे लिबोर और MIFOR क्या है। सो लिबोर क्या होता है, बेसिकली ये आपका एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, जिस रेट पे जो जैसे इंडिया के जो कंपनीज हैं वो अगर लोन लेते हैं, या इंडिया किसी से लोन लेता है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जैसे यूएस की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस एक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको लोन दिया जाएगा। वैसे ही अगर इंडिया से कोई लोन लेगा, इन दैट केस ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कौन सेट करेगा, या इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलेंगे, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटरेट। ठीक है, आउटराइट रेट। ठीक है, समझ आया। अगर इंडिया अगर किसी को लोन देगा तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट होगा जो सेट किया होगा वो कहलाएगा MIFOR। वेरस अगर फॉरेन कोई कंट्री दे रही है या फॉरेन कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो उस केस में ये कहलाएगा लिबोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन मे हैज लॉन्च द न्यू डेप्ट फंड कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी फंड। सो कौन सी ऐसी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके MD कौन है, इनका नाम है NS खनन। करंटली कौन है, NS खनन, बट आप सभी ने न्यूज में पढ़ा होगा कि इसके जो MD एंड CEO है वो रिसेंटली न्यू MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, अनुप बागची। क्या नाम है, अनुप बागची। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IRDAI forms the dash member committee under the chairmanship of Pratima Murthy to advise on a mental health cover. So recently यहाँ पे जो है 5 मेंबर की ये कमेटी जो है बनाई गई है, जिसके चेयर कौन होंगे, जिसके चेयरमैन चेयरपर्सन है प्रतिमा मूर्ति, जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, जो आपका लोकेटेड कहाँ पे है, इन दी बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हम IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सभी को पता है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन बताया हमने, देवशीष पांडा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट बिकम्स इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 आफ्टर US UAE। अब US और UAE के बाद थर्ड आपकी कौन सी कंट्री बनी है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया की, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द नीदरलैंड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, नीदरलैंड। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया से एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 48% इंक्रीज हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जो लास्ट ईयर या आप बोल सकते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था 2022 का, इसमें ये आपका जो है कितना था, 12.5 बिलियन था, वेयर एज अभी ये कितना हो गया है, 18.52 बिलियन। तो ये आपका 48% जो है इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ आर्मोरी स्क्वायर प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है मशरूफ, इनका नाम क्या है, मुशर्रफ अली फारूकी, जो आपके पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर, ट्रांसलेटर एंड स्टोरी टेलर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, और यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन सी बुक को इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया है। तो इन्होंने सिद्दीकी आलम की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, द केटल ड्रम एंड द अदर स्टोरीज, इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 ईयर्स। सो रिसेंटली प्रवीण सूद को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ सीबीआई डायरेक्टर, एंड ये किसे रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे सुबोध जसवाल को, जो जिनका रिटायरमेंट जो है वो तो आपका 25 मई को है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रवीण सूद है इन्हें अपॉइंट किसने किया है, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया था जिसमें आपके मेंबर्स कौन थे, एक तो पीएम नरेंद्र मोदी जी से, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड तीसरे जो थे पर्सन, इनका नाम है अधीर रंजन, क्या नाम है इनका, अधीर रंजन चौधरी, जो आपके अपोजिशन दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी जो है उनके ये मेंबर है। ठीक है, तो इन तीनों की यहाँ पे जो है एक पैनल यहाँ पे बनाया गया था जिन इन तीनों की हेल्प से या इन तीनों के कोलैबोरेशन से प्रवीण सूद को जो है सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2023 द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आईएनएस। सो रिसेंटली अभी यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को, कौन से आपके आईएनएस से किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईएनएस मरुगाव। ठीक है, इसका नाम क्या है, आईएनएस मरुगाव, जो आपका बिलोंग करता है विशाखापट्टनम क्लास से। ठीक है, और इसे किसने बनाया है, मेजोगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड मेरी लाइफ माई लाइफ इन अ न्यू दिल्ली दिल्ली टू एक्टिवेट द यूथ एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज। ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो कौन सी मिनिस्ट्री के ये जो है मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो ऐप है इसका मेन मोटिव क्या है, या बोल सकते हो ये क्या काम में आएगी, तो ये बेसिकली हेल्प करेगी ट्रैक करने के लिए जो भी मिशन लाइफ जो आपका इनिशिएटिव है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है उसे ट्रैक करने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्स द मेडल टैली इन अ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2023 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे टॉप किया है चाइना ने, और चाइना ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, दैट इज 7 मेडल। ठीक है, विच इज फॉलोड बाई इंडिया, इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था और इंडिया ने यहाँ पे 4 मेडल जीते हैं आपके। ठीक है, इनमें से एक आपका गोल्ड है, दो आपके सिल्वर है एंड एक आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, वेरेस थर्ड नंबर पे कौन था, ईरान था, ईरान ने यहाँ पे 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि किस कौन कौन से यहाँ पे प्लेयर्स थे जिन्होंने ये अवार्ड जीते हैं। तो गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में, जो सबरजोत सिंह एंड दिव्या टीएस की थी। सेकेंड, मेन्स 10 मीटर एयर राइफल, यहाँ पे सिल्वर मेडल हमने जीता है और ये प्लेयर है आपके हरिदे हजारिका। नेक्स्ट है विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, सिल्वर मेडल नैन्सी मदोत्रा, एंड लास्ट इज योर रिदम सांगवान, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन दी विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका म्यूनिच, म्यूनिच इन जर्मनी। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है आपके लूसियानो रोसी, क्या नाम है, लूसियानो रोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द वोपाला प्रणीत बिकम्स इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर, ही बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं तेलंगाना से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये तेलंगाना के 6 ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स द मेनी चॉइस ऑफ लिविंग अ गोल्ड
लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसे पब्लिश किसने किया है? हैपर कॉलिंस इंडिया ने। ठीक है, इसके साथ साथ रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है इन 1992। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, किस चीज के लिए मिला है, कौन सी बुक के लिए? आर ट्री स्टिल ग्रोज इन देरा। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका पद्मश्री अवार्ड है ये भी इन्हें 1999 में दिया गया था, एंड पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2014 में दिया गया था फॉर द लिटरेचर एंड एजुकेशन। राइट, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम रिसेंटली फ्लैग ऑफ 406 वेटरनरी एम्बुलेंस अंडर दी पशु चिकित्सा एम्बुलेंस स्कीम। सो रिसेंटली जो आपके मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन जो है उसे इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर इनॉग्रेट किया था? तो भोपाल में। ठीक है, भोपाल एमपी में इसे इनॉग्रेट किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था 406 वेटरनरी एम्बुलेंस को, किसके अंडर, कौन से स्कीम के अंडर? पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के अंडर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो रिलीज किया था 1962 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन एन इमरजेंसी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड द मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एक्ट जो है ये किसने बनाया है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर आपके हैं अमित शाह। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रांटेड रुपीज 51 करोड़ टू सेटअप एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन शिमला एंड नूरपुर इन हिमाचल प्रदेश, एंड डेवलप द पालमपुर शीला चौक इन कांगड़ा एचपी, दैट इज हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये अलॉटमेंट दी गई है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से 49 करोड़ जो है वो लगाया जाएगा आपका शिमला नूरपुर का जो आपका रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम है उसमें, एंड 9 जो करोड़ है आपका ये यूज किया जाएगा इन दी पालमपुर शीला चौक जो आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टॉक एक्सचेंज दैट रिसेंटली मे हैज रीलॉन्च सेंसेक एंड बैंक एक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है रीलॉन्च किया है सेंसेक को और बैंक एक्स को। ठीक है, इसके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें इन्होंने रीलॉन्च किया है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, इसकी एमडी एंड सीईओ जो आपके रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है वो अपॉइंट किए गए थे, तो इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अ बीएसई। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनका नाम है सुंदरा रमन रामामूर्ति। क्या नाम है? सुंदरा रमन रामा मूर्ति। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।